सेवक जन महन पर तख गुरु निस्तार बाणी बिरलो विचारसी जे को गुरमुख होए एहि बाणी महापुरख की निज कर वासा होए राग बिलावल महल्ला पंचमां कर तेरवां पड़ताल एक ओंकार सतगुर प्रसाद मोहन नींद नयावे हावे हार कजर बस्तर अपरन कीने शरण सुहागन चरण शीश तारे लालन मोहे मिलावो कब कर आवरी सुनो सहेरी मिलन बात कहूं सगरो अहंग मिटावो तो कर ही लालन पावो तब रस मंगल गुण गावो आनंद रूप त्यावो नानक द्वार आयो तो मैं लालन पायो री सुहावे सब मेरी तिखा बुझानी अब मैं सहज समानी मीठी पिरे कहानी मोहन लालन पायोरी अब मैं सहज समानी मीठी पिरे कहानी मोहन लालन
वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। इस पावन शब्द दी विचार सत्कार योग प्रिंसीपल साहब ज्ञानी बलजीत सिंह जी, साहबजादा जुझार सिंह गुरमत मिशनरी कॉलेज चमता रोपड़ तो, जो उचेचे तौर पर साढ़े पास पहुँचे हैं। आप जी ने सरवण करवाएंगे, एक दिन उन्हां दी सेवा होर है। आप जी बड़े प्यार दे नाल गुरबाणी विचार सरवण करो। इस महीने की संगरांद 16 तरीक नूं है। गुरु कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का पवित्र प्रकाश गुरपुरब 28 तरीक नूं है। 28 नूं ही नगर कीर्तन होवेगा। फिर 29 तरीक नूं विशेष गुरमत समागम गुरद्वारा रकाबगंज साहब सजाए जाणगे। आप जी ने हाजरियां भर के सेवा करके गुरु कियां बख्शिशां प्राप्त करनियां जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन वाहिगुरु साहिब जीओ, सिमरों सिमर सिमर सुख पावों, सास सास संभाले ए लोक पर लोक संग सहाई, जत कत मोहे रखवाले, गुर का बचन बसै जी नाले, जल नी डूबै तस्कर नी लेवै पाहिन साकै जाले। निर्धन को धन अंधले को टिक, मात दूध जैसे बाले, सागर में बोहित पायो हर नानक, करी कृपा कृपाले। निर्धन को धन अंधले को टिक, मात दूध जैसे बाले, सागर में बोहित पायो हर नानक, करी कृपा कृपाले। ज्यों बुलावें त्यों बोलें स्वामी, कुदरत कबण हमारी, साध संग नानक जस गायो, जो प्रभ की अत प्यारी। साध संग नानक जस गायो, जो प्रभ की अत प्यारी। इस पावन स्थान ते जुगो जुग अटल सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब जी की पावन हजूरी च स्वायमान हो रही गुरु प्यारी गुरु सवारी सत्संग जी, सतगुरु जी ने अज फिर बख्शिश की है। सवाही सलाह कै सुरतियां उपजै चाओ, तिना दरियावां स्यों दोस्ती, मनमुख सच्चा नाओ। जिन्हां नूं ये जीवन जाच प्राप्त हुई वो अमृत वेले तो सतगुरु जी की पावन हजूरी च आनंद माण रहे हैं। गुरबाणी का पाठ नितनेम, उपरंत इत्थों दे हजूरी रागी जथे पासों आप जी ने बड़े आदव सत्कार दे नाल आसा की वार दा कीर्तन सरवण कीता है, जिस दे बारे सतगुरु दा अपना फैसला है। सर्व धर्म मानो ते किए, जे प्रभ कीर्त गाई। उपरंत सतगुरु जी दी बख्शिश राही सिंह साहब ज्ञानी रणजीत सिंह जी हैड ग्रंथी साहब उन्हां पासों बड़े अदब सत्कार दे नाल चल रही लड़ीवार व्याख्या दे अधीन अज दा पावन शब्द सरवण कीता है, जो गुरु ग्रंथ साहब जी दे पवित्र पावन अंक राग बिलावल दे विच 830 अंग दे उत्ते पड़ताल दे रूप विच सुभायमान है, जिथे सतगुरु जी ने सानू कीर्तन नाल जुड़न दी बैठन दी हाजरी भरन की दात बख्शिश की। आओ जिन्ना समा प्राप्त है वो अधीन सतगुरु की पावन विचार ना जुड़न ले, क्योंकि जो कीर्तन सुनया पाठ सुनया उसनू समझण दा इको एक साधन है। चिम चिम बरसै अमृत धारा, मन पीवै सुन शब्द विचारा,
शब्द विचार नाल जुड़न लई मन विरतियां नूं एकागर करो, फतेह प्रवान करो। आखो वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। शब्द का केंद्री भाव रहाउ की पंक्ति विच हुंदा है और इस शब्द के अंदर सतगुरु जी ने दो रहाउ के बंध अंकित किए हैं। बहुत सारे ऐसे शब्द ने जिन्हां शब्दों के अंदर पहला क्वेश्चन रेज किया जाता है, सवाल पैदा किया जाता है, प्रश्न खड़ा किया जाता है, फिर उस प्रश्न का सतगुरु जी जवाब देंदे जां उस भाव नूं प्रगट करदे ने। जिमें कि आपां पावन वचन सतगुरु का अष्टपदी रूप दे विच पढ़ते हैं, पाठ पढ़ियो अर वेद विचारियो, निवल भयंगम साधे, पांच जना सो संग ना छुटकियो, अधिक अहंग बुद्ध बाधे। इहदी पहली रहाउ की पंक्ति है, प्यारे इन बिद मिल ना जाई, मैं किए कर्म अनेका, हार पर्यो स्वामी कै द्वारे, दीजै बुद्ध बवेका। हे प्यारे, अपनी जिंदगी विच जो फोकट कर्म ने, इन्हां नूं करन दे नाल कोई मनुख, कोई जग्यासु किसे वर्ग नाल संबंधित होवे, वह परमात्मा का मिलाप करन दे समर्थ नहीं हो सकता। फिर अगे सतगुरु जी ने एक एक कर्म का जिक्र किया है और लास्ट में जाके सतगुरु दूसरे रहाउ दे बंद अंदर फिर अपना ख्याल बख्शिश करते हैं, डिसीजन देंगे, निर्णय करते हैं। क्योंकि जो किसी बच्चे के हथों कोई चीज़ लैनी हो वापस, जे असी उस तो खोण का यतन करिए रोंदा कुरलांदा, पर जे सियाणप दे नाल बच्चे के हाथ में पहला दूजी वस्तु पकड़ा दी जाए तो पहली नूं अपने आप ही सुट दिंदा। क्योंकि असी भी अणप दे विच ही सारा कुछ इहो जिहे कर्म कांड करते हैं। तो सतगुरु जी ने बख्शिश की है कि जिथे किसी गल नूं कंडैम किया है जां सानू उस पासियों वरजे है तो उहदे नाल सानू अल्टरनेटिव दिता उहदा कि तुसीं करना की है। तो सतगुरु कहिंदे कर्म कांड तां सिख ने करने नहीं, क्योंकि कर्म धर्म पखंड जो दिसै तिन जम जा गाती लूटै, निर्वाण कीर्तन गावो करते का निमक सिमरत जित छूटै, संतो सागर पार उतरीऐ, जे को बचन कमावै संतन का सो गुर प्रसादी तरीऐ। हुण सिख करे की? तो फिर गुरु ने कृपा की, सतगुरु जी ने, हर कीरत साध संगत है सिर करमन कै करमा, कहो नानक तिस भयो प्रापत जिस पुरब लिखे का लहना, तेरो सेवक ए रंग माता, भयो कृपाल दीन दुख भंजन, हर हर कीर्तन ए मन राता। कि कर्म कांड करन दी थां दे उते गुरु की संगत दे विच आके एक श्रोमणी कर्म करना, हर कीरत साध संगत है सिर करमन कै करमा, कि हरी दी कीर्ति साध संगत विच आके की जाए, जुड़ करके की जाए, जिहड़ा कि श्रोमणी कर्म है सारे कर्मों विचों। और जिन्हां दे उत्ते पूर्व कर्म का बख्शिश हो गई, जिन्होंने गुरु की मत नूं धारण कर लिया, कर कृपा जिसनों अपनी मत दे, जिहदे ते ओ अपनी कृपा करके रहमत कर दिंदा है, उस दे उत्ते फिर कृपा हो गई कि कृपा द्वारा तेरो सेवक ए रंग माता, पयो कृपाल दीन दुख भंजन, हर हर कीर्तन ए मन राता। कर्मखंडा की थां दे उत्ते उहनूं जिहड़ी विवेकता प्राप्त हुई, पहले रहाउ दे बंद दे अंदर जिहड़ी विवेकता की बेनती की गई, दीजै बुद्ध विवेका, उस विवेका तो की प्राप्त होया? हर हर कीर्तन ए मन राता। एक एग्जाम्पल तुहाडे सामने होर रखा, सतगुरु जी ने एक पावन बचन उच्चारण किया, उहदे अंदर प्रश्न क्वेश्चन रेज किया, किन विद कुशल होत मेरे भाई, क्यों पाई है हर राम सहाय। क्योंकि हर मनुख, हर जग्यासू जदों किसी धार्मिक जगह पर जाता है, धर्म कर्म करता है, उहदी लालसा यही है कि मैनूं शांति प्राप्त होवे, कुशलता प्राप्त होवे, आनंद प्राप्त होवे। ते हर मनुख इहदी इह इच्छा है, हर मनुख का यह क्वेश्चन है, हर मनुख का यह सवाल है, हर मनुख का यह प्रश्न है, हिंदू सामने भी, मुसलमान सामने भी, सिख सामने भी, बीबिया सामने भी, बच्चों सामने भी, किन विद कुशल होत मेरे भाई,
क्यों पाईए हर राम सहाय कि ओ परमात्मा वाहेगुरु अकाल पुरख राम जिहड़ा साडा हर समय सहायता करन वाला है उहनूं किस तरीके नाल प्राप्त किया जाए ते फिर उहदी व्याख्या दित्ती भी लोकी कित्थों कित्थों कुशलता लभदे आ खुशी लभदे आ आनंद लभदे आ कुशल ना ग्रह मेरी सब माया उच्चे मंदर सुंदर छाया सतगुरु कहिंदे इन्हां साधना विच्चों कुशलता नहीं प्राप्त हो सकती क्योंकि जिहड़ी वस्तु नाशवान है उत्थे खुशी भी थोड़े समय की प्राप्त हो सकती है। पहले रहाओ दे अंदर प्रश्न पैदा किया गया किन विद कुशल होत मेरे पाई क्यों पाईए हर राम सहाई फिर कितों कितों बंदा खुशी लभदा है जतन कर रहा है ते फिर सतगुरु ने कृपा की अपना जो ख्याल सी जो सिखिया सी वह दर्ज की साहब जी ने कहिंदे एक कुशल मुख सतगुरु बताया मैनू गुरु ने कृपा करके खुशी लैण का एक तरीका दे दिता एक विधि समझा दिती एक कुशल मुख सतगुरु बताया हर जो किश करे सो हर क्या भगतां पाया आ तरीका आ विधि कुशल ना ग्रह मेरी सा माया विचों खुशी प्राप्त नहीं हुई उच्चे मंदर सुंदर छाया विचों खुशी प्राप्त नहीं हुई नाटक नाटक अखारे गाया विचों खुशी प्राप्त नहीं हुई हर जो किश करे सो हर क्या भगतां पाया हरी जो कुछ करता भगतां नूं चंगा लगता उहदे भाणे विच रहिंदे ने। पहला सवाल सी पंगती सी किन बिद कुशल होत मेरे भाई क्यों पाईए हर राम सहाई हुण सतगुरु कहिंदे इन बिद कुशल होत मेरे भाई इउं पाईए हर राम सहाई। पहला सवाल दूसरी रहाओ की पंक्ति दे अंदर फिर उहदा उत्तर दर्ज किया उहदा आंसर दिता है वह ख्याल दिता है जिहड़ा सानू सतगुरु जी समझाना चाहुंदे ने। बिल्कुल इसे तरह ही अज दे पावन बचन दे अंदर सतगुरु जी ने दो रहाओ ते बंद बख्शिश किए ने ਇਹ ਸਥਾਈ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਔਰ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਵੀ ਰਹਾਉ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਬਣਾ ਕੇ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਰਹਾਉ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬਿਲਾਵਲ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ पंजवें पातशाह गुरदेव धन गुरु अर्जन पातशाह जी ने घर तेरहवें दे अंदर पड़ताल पड़ताल का भाव हुंदा है ताल नूं परताना जिहड़े सियाणे बजुर्ग लोग ने वह कहिंदे सथाई नूं एक ताल विच बन के उस तों बाद जदों अंतरा आवे हर अंतरे दे नाल ताल बदलदा है परतदा है। प्रोफेसर साहब सिंह जी ने इहदा अर्थ कीता है कि ढोल की थाप जिवें वजदी है उस दे अनुसार ओहो जी आवाज कढ़नी ओहो जिहा ताल देना ये गल्लां अज साडे जीवन विच्चों साडे समाज विच्चों अलोप हुंदियां जा रही हैं और उस अलोप होण दे थां दे उत्ते फिर की हो रहा है साडा जीवन जिहड़ा है वह कर्म कांडां दे विच आ रहा जिवें कि रागां दा समां है आनंद कारज होवे ते असीं आम तौर दे उत्ते धारणा बनाउंदे आ भी 12 बजे तो पहला होना चाहिए शायद अज सानू इस करके 12 बजे तो पहला होना चाहिए कि अनमत दा साडे ते प्रभाव होवे भी 12 बजे तो बाद जिहड़ा है वह मृतक दे संबंध विच हुंदा खुशी दा काम नहीं किया जा सकता। असल विच इह कारण नहीं जिहड़े बजुर्ग सन उन्होंने बड़ी सियाणप नाल फैसले किए हुए ने जिहड़ा सूही राग है ये दो घड़ियां दिन चढ़े गायन करन वाला राग है अमृत वेले गाया जान वाला राग है जे सचमुच लामा दा पाठ लामा दा कीर्तन निर्धारित राग विच करना होवे ते अमृत वेले ही हो सकदा है 12 बजे तो पहला ही हो सकदा है। ये जिहड़ियां छुपियां होईयां गल्लां ने जदों असीं सतगुरु पातशाह जी की पवित्र बाणी पढ़ीए बजुर्गों नूं पढ़ीए सियाणियां दी मत नाल जुड़न दा यतन करिए ते सानू ये दातां जिहड़ियां ने सहज ही प्राप्त हो सकदियां ते सतगुरु जी ने अज दे पावन बचन दे अंदर सब तो पहला तां उस मालक दा मंगल कीता है क्योंकि हर जग्यासु किसी भी धर्म नूं बिलोंग करदा होवे वह अपने इष्ट की आराधना करदा है
ਇਹ ਵੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ, ਤਿਆਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮੁੱਝ ਮੈਂ ਕਿਛ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਿਛ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ, ਤੇਰਾ ਤੁਝ ਕੋ ਸੌਂਪ ਤੇ ਕਿਆ ਲਾਗੈ ਮੇਰਾ, ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਜੋਗਾ, ਨਾ ਹਮ ਕੀਆ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾ ਕਰ ਸਕੈ ਸਰੀਰ, ਕਿਆ ਜਾਨੋ ਕਿਛ ਹਰ ਕੀਆ, ਭਇਓ ਕਬੀਰ ਕਬੀਰ। ਕਬੀਰ ਦਾ ਅਰਥ ਵੱਡਾ, ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਗਿਆਸੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਔਰ ਚੰਗੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨੀ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਇਸ਼ਟ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਬੇਸਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪੂਜਾ ਅਕਾਲ ਕੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਿਧਾਂਤ, ਕੋਈ ਕੀਰਤਨ ਪੂਜਾ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੀਰਤਨ ਪੂਜਾ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕੋ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਰਤਨ ਜੁਰੀਆ ਬਹੁਵਿਦ ਫਿਰੀਆ। ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਕੀਰਤਨ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਕੀਰਤਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿਰਤਾ, ਕਿਰਤ ਤੋਂ ਬਹੁ ਵਚਨ ਜਦੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਐਸੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਨੰਨਾ ਅੰਤ ਬਹੁ ਵਚਨ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸੰਤ ਤੋਂ ਸੰਤਨ, ਗਿਰਜ ਤੋਂ ਗਿਰਜਨ, ਨਰ ਤੋਂ ਨਰਨ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਕਿਰਤ ਤੋਂ ਕੀਰਤਨ, ਕੀਰਤਨ ਜੁਰੀਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਕਿਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਬਹੁ ਵਿਦ ਫਿਰੀਆ, ਉਹ ਭਟਕਣਾ 'ਚ ਹੀ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਰਤ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਲੱਭਣੀ ਪਈ, ਨਵਾਂ ਸਟੈਚੂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਨਵਾਂ ਦੇਵਤਾ ਲੱਭਣਾ ਪਿਆ, ਨਵੀਂ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਸੋਚਣਾ ਪਿਆ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ ਜਾਏ, ਉਹ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਸਭ ਮੈਂ ਰਿਹਾ ਸਮਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜਿਹਦੇ ਵਰਗੀ ਦੂਸਰੀ ਕੋਈ ਹਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਜਿਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਖਿਆਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ ਭਰੈ ਜੋਨ ਨਹੀਂ ਆਵੇ, ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਤਾਕੋ ਰੇ, ਕਬੀਰ ਕੋ ਸਵਾਮੀ ਐਸੋ ਠਾਕੁਰ, ਜਾ ਕੇ ਮਾਈ ਨਾ ਬਾਪੋ ਰੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਨਮ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਮੌਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨੇ ਨਾਸ਼ ਕਿਤੋਂ ਹੋਣਾ, ਨਾਸ਼ ਉਹਨੇ ਹੋਣਾ ਜੋ ਉਪਜੇ ਸੋ ਬਿਨਸ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ ਪਰੈ ਜੋਨ ਨਹੀਂ ਆਵੇ, ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਜਾਕੋ ਰੇ, ਕਬੀਰ ਕੋ ਸਵਾਮੀ ਐਸੋ ਠਾਕੁਰ, ਜਾ ਕੇ ਮਾਈ ਨਾ ਬਾਪੋ ਰੇ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਉਹਦੀ ਕਿ ਜਿਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਰੱਬ ਸੰਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਜੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਅੱਜ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋਏ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸ ਰੱਬ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ, ਕਿ ਜਿਸ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰੱਬ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਰੱਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਏ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੇ ਉਹ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਾਕੀ ਜੋ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਰੱਬ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਏ। ਨੰਬਰ 3 ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਬ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਖਿਆਲ ਸਨ ਪੁਰਾਤਨ, ਦੱਖਣ ਦੇਸ਼ ਹਰੀਕਾ ਬਾਸਾ, ਪੱਛਮ ਅੱਲਾ ਮੁਕਾਮਾ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੱਬ ਵੈਸਟ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੱਬ ਸਾਊਥ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਰੱਬ ਦੀ ਪੂਜਾ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਮਾਜ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਗਿਆਸੂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਬ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਖਿਆਲ ਬਣਾ ਲਵੇ। ਓਅੰਕਾਰ ਦਾ ਭਾਵ ਸਰਬ ਵਿਆਪੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ,
क्योंकि गुरु नानक पातशाह जी ने वेख्या भी इत्थे भारत वर्ष खेरू खेरू होया पिया है ते खेरू खेरू होण दे पिछे बहुत पूजा है अनेक तरह की पूजा है एक किसी का पुजारी दूजा दूजे का पुजारी तीजा तीजे का पुजारी उन्हां लोकां दे अंदर होए अकत्तर मिलो मेरे भाई दुबधा दूर करो लिबलाए हर नामे के होवो जोड़ी गुरमुख वैसो सफा पछाए ये सोच पैदा नहीं की जा सकती ये सोच ये ख्याल ये धारणा ये जीवन जाच केवल रब दे पुजारियों के हिस्से आ सकती जेडे एक दे पुजारी ने एक जिथे रब है उत्थे नाल यूनिटी का प्रतीक भी है एकाग्रता का प्रतीक भी है सतगुरु कहिंदे जे समाज विच एकता चाहुंदे आ ते फिर एक दी पूजा करो जे ऊंच नीचता का भेदभाव मिटाउणा चाहुंदे आ एक दी पूजा करो और जिहड़ा स्थापित नहीं किया जा सकता नंबर तीन दे उत्ते चतर दिशा कीनो बल अपना सिर उपर कर धारियो कृपा कटाख अवलोकन कीनो दास का दुख बिदारियो हर जन राखे गुर गोबिंद कंठ लाए अवगुण सब काटे ओ जिहड़ा परमात्मा है उस परमात्मा दी पूजा सर्वव्यापी परमात्मा दी पूजा लोग जगन्नाथपुरी दे विच आरती कर रहे सन उतार रहे सन सतगुरु खड़े रहे उत्थे जदों उन्होंने सारा कुछ कर लिया अपना धर्म कर्म सतगुरु दे गाली पैण वाली गल सी कि तुसी साडे इस धर्म कर्म विच शामिल नहीं होए सतगुरु कहिंदे असल विच उस मालिक दी रजा विच जिहड़ी कुदरत दौर ते उत्ते आरती हो रही है ना लगातार हो रही है उहदा ख्याल जिस मनुख दे अंदर पैदा हो जाए फिर उसनू ये सोझी आ जाती है कि सब